हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। आज हम बात करेंगे SQL इंजेक्शन के बारे में। मैंने अपने चैनल पर SQL इंजेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई है और डाली हुई है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि SQL इंजेक्शन क्या होता है, इससे वेबसाइट्स हैक होती हैं, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए। अब मैं थोड़ा और एडवांस लेवल में आपको बताने वाला हूं कि SQL इंजेक्शन जो हैक होता है वो कैसे काम करता है। जैसे कि आपने पहले चैप्टर में देखा, इससे पहले जो चैप्टर था जिसमें आपने देखा कि जो वेबसाइट होती है उसके अंदर डेटाबेस कैसे होते हैं, डेटाबेसिस कैसे काम करते हैं, SQL क्या होता है, ये आपने देखा। तो अब क्यों ना कोई ऐसा अटैक किया जाए कि हम किसी वेबसाइट के डेटाबेस के किसी पर्टिकुलर टेबल में किसी कॉलम को ड्रॉप कर सकें। मतलब किसी वेबसाइट के डेटाबेस में से कोई ऐसा कॉलम जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड है उसको ड्रॉप कर सके। ड्रॉप कर सके मतलब डाउनलोड कर सके, राइट? कुछ ऐसा किया जाए कि किसी भी वेबसाइट के डेटाबेस में से कोई भी डेटा हम निकाल सके। और आपको पता है कि किसी भी वेबसाइट के डेटाबेस में ही उसका पासवर्ड सेव होता है। वर्डप्रेस के केस में ही ले लें तो वर्डप्रेस के केस में जब आप पूरे डेटाबेस को खोल के देखेंगे, जो कि मैंने पहले आपको खोल कर दिखाया था, उसमें यूजर्स VP WP यूजर्स नाम का एक कॉलम है। वहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। तो कई साइट्स में ये कमजोरी होती है कि जब हम उसको कोई गलत क्वेरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट है technicalsagar.in/samplepost.php id=3। तो यहां पर जो 3 है उसका मतलब है तीसरी पोस्ट, मानकर चलते हैं तीसरी पोस्ट, और मेरे पूरे वेबसाइट में सिर्फ 3 ही पोस्ट हैं, ठीक है, 3 ही पेजेस हैं। लेकिन अगर मैं उसको चेंज करके 4 करूं तो क्या होगा? नॉट अवेलेबल, और वो कुछ एरर शो करेगा, मेरी वेबसाइट कुछ एरर शो करेगी MySQL से रिलेटेड। तो इससे हम क्या समझें? इससे हम ये समझेंगे कि जो मेरी वेबसाइट है वो कमजोर है, उसमें ये कमजोरी है कि वो SQL इंजेक्शन से क्रैक या हैक हो सकती है। सारी वेबसाइट्स, जितनी भी वेबसाइट हैं, वो सभी SQL इंजेक्शन से हैक नहीं हो सकती हैं, अलग अलग टेक्निक होती है। लेकिन ये बिगिनर्स का कोर्स है, इसलिए हम इसमें सिर्फ SQL इंजेक्शन की बात करने वाले। तो हम क्या करते हैं, एक गलत क्वेरी स्टार या इन्वर्टेड कॉमा एक URL के बाद डालते हैं, एंटर करते हैं। अगर कोई वेबसाइट ये डालने पर एरर शो करती है, इसका मतलब वो SQL इंजेक्शन से हैक हो सकती है। ऐसे आप वेबसाइट्स की कमजोरी चेक कर सकते हैं एज अ वाइट हैट हैकर, राइट? चलिए, पहली बात ये हुई, पहली बात कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वल्नरेबल है कि नहीं। दूसरी बात है कैसे उसको हैक करेंगे, राइट? तो ये तो प्रैक्टिकल वाली चीज है, प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो मैं आपको रफली बता देता हूं कि कैसे करना है। उसमें क्या करना होता है आपको, कि आपको पहले ये देखने होते हैं कि कौन सा सर्वर, कौन सा वर्जन डेटाबेस का चल रहा है, ठीक है? उसके बाद हमें क्वेरीज देनी पड़ती है, गलत one is equal to one देना होता है। तो हम पहले कॉलम में चेक करते हैं क्या है, दूसरे कॉलम में चेक क्या है। हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमको वो कॉलम नहीं मिल जाता जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का यूजर नेम और पासवर्ड है। तो ये चीजें आपको कर करके ही आएंगी। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी जल्दी आप पासवर्ड निकाल सकेंगे, उतनी ज्यादा आपको वेबसाइट्स की नॉलेज होगी, उतनी जल्दी आप पासवर्ड क्रैक कर पाएंगे या हैक कर पाएंगे, ठीक है? तो ये रही इसकी इन्फॉर्मेशन, और आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन कि SQL इंजेक्शन हैक कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे SQL इंजेक्शन किया जाता है, कैसे किसी वेबसाइट्स में कमी निकाली जाती है और SQL अटैक, जिसे आप SQL इंजेक्शन अटैक भी कहते हैं, वो किया जाता है। उसके लिए मैंने एक लोकली वेबसाइट इंस्टॉल की हुई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये लोकली इंस्टॉल्ड है और हम अपनी लोकल वेबसाइट को ही हैक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हम हैक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लिंक्स हैं, न्यूज़ का लिंक है और यहाँ पर एक न्यूज़ पोस्टेड है। अब देखिए वेब पेज पर हम जाकर ये 2 लिख देंगे, 2 से क्या होगा, दूसरी न्यूज़ आ जाएगी। ऐसे ही हम इसको चेंज करके 3 लिखेंगे तो तीसरी न्यूज़ आएगी, राइट? तो अब हम चेक करने के लिए इसमें एक इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे। देखिए एरर आ गया, ये एरर मतलब कि हमारी ये वेबसाइट हैक हो सकती है SQL इंजेक्शन से। अब हम क्या करेंगे, उस एरर को चेंज कर देंगे, जो हमने ब्रैकेट डाला उसे चेंज कर देंगे, स्पेस देंगे और ऑर्डर बाय 1 --- डालेंगे। अब यहाँ पर 2 लिख के डालेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे और हमारे इस पेज में 3 ही पोस्ट हैं। तो अगर हम चौथा डालेंगे तो हमारी वेबसाइट एरर देगी,
देख सकते हैं आप, ये एरर आ गया क्योंकि इसमें तीन ही पोस्ट थी। आप इसकी प्रोग्रामिंग फाइल देखिए, सिर्फ टाइटल को देखिए आप यहाँ पर, और सिर्फ इसमें तीन ही पोस्ट हैं, यहाँ पर कोई भी फोर्थ वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो एरर दे दिया। तो अब हम पासवर्ड देने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम एक कमांड देंगे, यूनियन ऑल सेलेक्ट 1, 2, 3 डैश डैश, और एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं 1 और 2 आ गया, पोस्टेड ऑन 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 नहीं आया, 1 और 2 आया, राइट। अब हम 2 की जगह एक कमांड देंगे वर्जन, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा डेटाबेस वर्जन हम चला रहे हैं, कौन सा डेटाबेस वर्जन है, राइट। अब उसके बाद हम यूज़र देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कौन सा यूज़र है करंट। देखिए रूट एट लोकल होस्ट, क्योंकि हम अभी इसको लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, तो लोकल होस्ट आ गया। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस होता तो यहाँ पर उसका नाम आता और हमें डेटाबेस लिखना पड़ता। यहाँ देख सकते हैं आप वोल्ट लिखा गया, इसका नाम है वोल्ट, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमारे डेटाबेस का नाम वोल्ट है, ठीक है, हमें वोल्ट को क्रैक करना है। चलिए अब ये जो डेटाबेस है और ब्रैकेट्स हैं इनको मार्क करके चेंज कर देंगे, और टेबल नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 3 फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, वेयर टेबल स्कीमा इज इक्वल टू वॉल्ट, ठीक है, तो हमारा वॉल्ट है नाम, लिमिट, उसके बाद 0 एंड 1। तो जब तक हमें इसमें क्वेरी डालनी है, 0, 1 ये डाली हमने, अब इसको हम चेंज करके 1 कर देंगे, 0 को, जब तक हमें नहीं मिल जाता खाली, और यहाँ पर हमें टेबल का नाम नहीं आ जाता, देखिए न्यूज़ आ गया। उसके बाद हम 2 लिखेंगे तो कुछ और आएगा, देखिए यूज़र्स आ गया, राइट। तो अब हम यूज़र्स में ही पासवर्ड ढूंढेंगे, तो टेबल की जगह चेंज करके कॉलम करेंगे, और यहाँ पर ही हम टेबल को चेंज करके कॉलम्स लिख देंगे, क्योंकि हमें कॉलम्स में से डेटा लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ आईडी आ गया, फिर उससे और थोड़ा नीचे जाएंगे 2 करने पे तो कॉन्टेक्ट आएगा, फिर 2 को 2 करेंगे तो टाइटल आएगा, ऐसे ही आगे आगे वैल्यूज़ आपको बढ़ाती जानी है। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे टेबल्स की वैल्यूज़ आती जाएंगी, और ये जब तक हमें करना है जब तक यूज़र नेम और पासवर्ड ना आ जाए, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करके 4 कर देते हैं, अब आ गया पासवर्ड, तो टेबल आ गया। अब इसका कॉलम देखेंगे हम, तो कॉलम को नेक्स्ट करके देखेंगे कि क्या होता है, तो उसके लिए हमको एक अलग देना पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड हम आ चुके हैं, तो हम यू लिखेंगे यूज़र्स, सारे यूज़र्स, और उसके बाद हम इसको डिलीट करके लिखेंगे पासवर्ड, सेलेक्ट यूज़र नेम करेंगे और एंटर करेंगे, और जो उसका यूज़र नेम का जो पहला यूज़र होगा उसका, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का नेम आ गया और यहाँ पर उसका पासवर्ड आ गया। तो अब हमें यूज़र नेम का पासवर्ड मिल चुका है, इसको हम MD5 डिक्रिप्टर पे जाकर डिक्रिप्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ आपको वो डालना है, और इसको यहाँ पर कैप्चा डालिए, उसके बाद एंटर कीजिए, आपका पासवर्ड आ गया, यहाँ पर है पोलक 123। तो ऐसे भी किसी साइट का आप यूज़र नेम और पासवर्ड हैक कर सकते हैं।